जिस दिन भगवान न करे लेकिन कहीं फुल फ्लेजेड रूप में आरजेडी के लोग सत्ता में आ गए, तब क्या होगा बिहार का सोच कर भी बिहार के लोग डर तरह की कार्रवाई लालू जी के परिवार के खिलाफ कोई आज हो रही है कि कार्रवाई हो, सीबीआई जांच करे, उसके लिए कौन लोग कोर्ट गए थे, उसके लिए कोर्ट गए थे, कोर्ट से आग्रह करने गए थे जनता दल यूनाइटेड के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। देखिए नीतीश जी सपना क्या देख रहे हैं, पहली बार पीएम मटेरियल है नीतीश जी जनता दल यूनाइटेड में, अगर किसी ने कहा था तो उसका नाम उपेंद्र कुशवाहा है। चाहिए लेकिन के बारे में इजराइल मंसूरी पर मर्डर केस का मामला है वो मंत्री गया के भी है। उनको लेकर डीजीपी से भी बात हुई थी मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, पता नहीं इस घटना की जानकारी मुझको नहीं। लेकिन अगर कोई उस तरह का वाकई मुकदमा है जी, तब तो कानून को अपने हिसाब से काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी लगातार बोलते हैं कि हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, और आज की तारीख में अगर इसके उलट कोई बात होगी तो मुख्यमंत्री जी पर सीधे प्रश्न चिन्ह लगेगा। सर आपने अभी बोला कि मुख्यमंत्री जी ने खुद कहते हैं कि ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, जबकि राजद परिवार में या राजद के पार्टी में कितने ऐसे दागी नेता हैं जो आज मंत्री पद पर बैठे हैं। यही बात तो हम बोल रहे हैं भाई, यही तो हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं ना ये बात कि न फंसाते हैं न बचाते हैं, और कार्रवाई आज नहीं होगी तो प्रश्न तो उठेगा मुख्यमंत्री जी के सामने ना, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा। इस बात का जवाब तो बेटर मुख्यमंत्री जी देंगे कि अगर ऐसा है उसके बावजूद चुप क्यों है, कानून क्यों आज काम नहीं कर रहा है, इसका जवाब उनको देना चाहिए। लास्ट सवाल ये है सर कि विधानसभा जो अभी चल रहा है उसमें क्या लग रहा है, हम विधायक तो है नहीं कि बता पाएंगे। चलिए जिस दिन भगवान न करे लेकिन कहीं फुल फ्लेजेड रूप में आरजेडी के लोग सत्ता में आ गए, तब क्या होगा बिहार का सोच कर भी बिहार के लोग डर जाते हैं। तो अभी तो शुरुआत है उन लोगों की, इसलिए तो हम कह रहे हैं वैसी स्थिति न आवे इसके लिए आरजेडी से बिहार को बचाना पड़ेगा। क्या लगता है सर कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई लगातार तेजस्वी यादव या राजद परिवार पर जो हमले कर रहे हैं उसको लेकर जो राजनीतिक घमासान मचा हुआ उस पर आपका क्या कहना है? अच्छा इस तरह की कार्रवाई लालू जी के परिवार के खिलाफ कोई आज हो रही है? इस तरह की कार्रवाई की शुरुआत तो उस समय हुई जिस समय केंद्र में लालू जी के समर्थन वाली सरकार थी, और इस तरह की कार्रवाई हो सीबीआई जांच करे उसके लिए कौन लोग कोर्ट गए थे, उसके लिए कोर्ट गए थे, कोर्ट से आग्रह करने गए थे जनता दल यूनाइटेड के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उसके लिए कहने गए थे कोर्ट में आवेदन लेकर राष्ट्रीय जनता दल के आज के नेता शिवानंद तिवारी जी कोर्ट में कहने गए थे उस समय, आज के राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री बिरसेन पटेल जी। तो इन लोग क्यों कोर्ट गए थे, इन लोगों से पूछ लीजिए। अगर कोई कह रहा है कि परेशान किया जा रहा है तो सबसे पहले तो परेशान इन्हीं लोगों ने शुरू किया। लालू जी आज चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सजा उनको मिल गई है, किन लोगों के आवेदन पर कोर्ट ने सजा दी, यही लोग हैं जो जनता दल यूनाइटेड के आज नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, इन्हीं लोगों ने इनको जेल भेजवाया, और आज दोनों मिलकर एक साथ फिर बिहार की जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। सीएम तो पीएम की सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार जी। देखिए नीतीश जी सपना क्या देख रहे हैं, पहली बार पीएम मटेरियल है नीतीश जी जनता दल यूनाइटेड में, अगर किसी ने कहा था तो उसका नाम उपेंद्र कुशवाहा है। हमने कहा था उस समय वक्त था, पार्टी मजबूत होती, नीतीश कुमार जी का एक्शन सही होता तो यह संभव था, लेकिन आज की तारीख में नीतीश जी ने खुद ही ऐसा कर लिया, पार्टी को बर्बाद कर दिया। अब बर्बाद आधार पर खड़ा होकर पीएम बनने की बात कैसे हो सकती है? नीतीश जी ने बड़ा अवसर स्वयं ही खो दिया है, अवसर था लेकिन नीतीश जी के खुद के काम के चलते यह अवसर समाप्त हो गया। क्या लगता है सर विधानसभा में जिस तरह से आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना, ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में
इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वॉल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के वायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है, ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।